हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, जो कि है मैंगो पुडिंग। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मैंगो लिए है, हाफूस मैंगो है, आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं। और ये मैं इसके पल्प निकाल लेती हूँ अच्छे से। दोनों मैंगो के पल्प अच्छे से निकाल लिए हैं। अब मैं मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है। अगर आप अपने हिसाब से ऐड करें कम या ज़्यादा। और इसे हम अभी ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है तो इसमें अब हम 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे और फिर से एक बार हम ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसे एक वेसल में निकाल लेती हूँ और इसमें 200 ml मिल्क हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पका लूंगी गरम होने तक। थोड़ा सा अगर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। और मैं ये मेल्टेड अगर ही मैंगो प्योरे में ऐड कर रही हूँ तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, मोल्ड में डाल देंगे और इसे 2-3 घंटे के लिए हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। बाद में आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ठंडा करने और इसे फ्रीज नहीं करना है। सो अभी अच्छे से फॉर्म हो चुका है तो इसे अभी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और सिंपल रेसिपी है और अभी इसे मैं गार्निश करूँगी मिंट लीव्स के साथ। तो ये देखे बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।